भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां शिवराज कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आज से यानी कि मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन कर शादी करना कानून के दायरे में होगा। यानी धर्म स्वातंत्र विधेयक पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि कानून में सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं, कैबिनेट में अनुपूरक बजट को लेकर भी अध्यादेश लाया गया है। कैबिनेट ने फिलहाल धर्म स्वातंत्र विधेयक के अध्यादेश को ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है और दूसरी तरफ कैबिनेट में अनुपूरक बजट को लेकर भी एक अध्यादेश लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज से मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन कर शादी करना कानून के दायरे में होगा। हालांकि इसके पहले पिछले दिनों लव जिहाद कानून के मसौदे को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी गई थी, लेकिन चूंकि शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया कोरोना काल की वजह से, इसलिए कानून का रूप नहीं ले पाया था। लेकिन अब यह ऑर्डिनेंस लाया गया है कैबिनेट में। कोरोना के कारण विधानसभा का सत्र हमको स्थगित करना पड़ा, लेकिन अनुपूरक बजट अध्यादेश के जरिए हम लोग पारित करेंगे और उसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हमारे थे जिनको अध्यादेश के जरिए हमको कानून बनाना है, और उनमें पहला था मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम 2020। कपटपूर्ण साधनों, लोभ लालच भय प्रलोभन, धर्म परिवर्तन जैसा काम करना, इसको अपराध माना है हमने इस कानून में। कड़ी सजा का प्रावधान किया है 10 वर्ष तक की, और जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया है, विशेषकर बेटियों के साथ इस तरह की, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोभ लालच अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इस तरह के विवाह शून्य भी हो जाएंगे और विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी का अधिकार भी इसमें दिया है। ये अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे और सबूत का भार भी अभियुक्त को ही देना होगा। एक बहुत कड़ा कानून हमने बनाया है, पूरी कैबिनेट ने इसको देखा है। अब चूंकि हमको अध्यादेश के जरिए इसको करना है तो फिर से प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, आप सबकी जानकारी में, तो इसको करते हैं अध्यादेश के जरिए करेंगे। हम लोग करेंगे विशेष संवाददाता विजय मांडगे का, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, बैठक से जुड़ी ऑर्डिनेंस लागू हो गया है? देखिए, अध्यादेश है और अध्यादेश के लिए कैबिनेट मंजूरी देती है और उसके बाद ये लागू हो जाता है, क्योंकि 6 महीने तक रहता है और अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती है, लेकिन 6 महीने तक ही उसकी वैधता रहती है। 6 महीने बाद उसको फिर से विधानसभा के पटल पर रखा जाना जरूरी होता है। तो जब तक विधानसभा नहीं होगी दीपक, तब तक ये अध्यादेश कानून के रूप में। मैं रुकना चाहूंगा विजय आपको, शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इसमें हमने ये प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1,00,000 रुपए का अर्थदंड तक की सजा, जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, उसके माता पिता भाई बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अन्य सगे संबंधी
कानून अभिभावक अभिभावक कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक होने की स्थिति में उनके संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होंगे। ये अध्यादेश कैबिनेट के माध्यम से पारित करके आज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया को भेजा गया है। सर, काम आज पास किया गया था कैबिनेट, एक क्रांतिकारी फैसला है। हमने अभी तक पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम बनाया था, जिसमें तय किया कि कोई सेवा कितने समय में दी जाएगी और कौन अधिकारी उसको देगा। अगर निश्चित समय सीमा में, मान लीजिए 7 दिन में कोई सेवा देना नहीं दी, तो 8वें दिन उस पर जुर्माना लगता है और वो जुर्माना हर जाने के रूप में जिसका काम देर से होता है उसको दिया जाता है। लेकिन अब इसमें एक प्रावधान और कर रहे हैं कि अगर 7 दिन में कोई सेवा दी जानी है, 10 दिन में कोई सेवा दी जानी है, 15 दिन में कोई सेवा दी जानी है और नहीं दी गई, तो सेवा कंप्यूटर से जनित होकर अपने आप मिल जाएगी, अधिकारी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अपने आप डीम्ड परमिशन हो जाएगी। मुझे लगता है ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। निश्चित तौर पर चक्कर काटना भी कम हो जाएंगे, दिक्कतें भी कम हो जाएगी और कोई रख के भी नहीं बैठ पाएगा, समय पे करना ही होगा। मिलावट कितना भी काला पैसा किया गया है? मिलावट एक भयानक अपराध है। खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में, यहां तक कि प्लाज्मा के नाम पे, कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी ऐसे समाचार मिले। अब नकली प्लाज्मा, इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है? तो दवाइयों का हो या खाद्य पदार्थों का मिश्रण, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है और ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। इसके लिए भी हमने आज अध्यादेश पारित किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर 6 माह के कारावास और 1,000 रुपया तक के जुर्माने के स्थान पर, अब तक 6 महीने का कारावास और 1,000 रुपया जुर्माना था, अब हमने आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया है। मिलावटी को आजीवन कारावास होगा, मिलावट करने वाले मिलावटखोर को। लेकिन इसमें फोकस किया हमने जो बनाते हैं सामान, व्यापारी को नहीं। जहां बनती है चीज कारखाने में, मूल स्थान जो बनाने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे हैं, जो इस नए धर्म स्वातंत्र कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में इसका क्या फायदा होगा, इस कानून की क्या खासियत है और कैसे महिलाओं को, बेटियों को इसका फायदा मिलेगा, वो बात बता रहे हैं। एक बार फिर हम रुक करेंगे, विजय मांडगे का हमारे साथ बने हुए हैं। जी विजय, आप बात पूरी करिए अपनी। बिल्कुल दीपक, और ये जो कानून है इसके बारे में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल विस्तार से ये बताया है कि किस तरह से ये कानून काम करेगा। राज्यपाल के पास इसे दस्तखत के लिए भेजा गया है और जब राज्यपाल इस अध्यादेश पर दस्तखत कर देगी तो ये कानून की शक्ल ले लेगा। क्योंकि राज्यपाल इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर है तो ये जल्द ही उस पर साइन हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है, और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। और सबसे अहम बात है कि इसमें कई सारे कड़े प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों के तहत पहले इसकी जांच होगी इस पूरे मामले की। यदि ऐसा कोई आता है तो पहले उसकी पूरी जांच होगी और जांच के लिए एक सक्षम अधिकारी, उस कानून में जो प्रावधान है वो जांच करेंगे, और जांच के बाद यदि पूरा मामला सही पाया जाता है तो फिर इस कानून की धाराएं लागू कर और फिर उसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तो ये अपने आप में मध्य प्रदेश ने भी अब दो देश के जो दो बाकी राज्य है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर एक कानून जो है वो बन गया है, बस दस्तखत का इंतजार है, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय बातचीत के लिए हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने।